सनातन रूप रघुनाथ भट जोग श्री जीव प्रभु लोकनाथ कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास सदा सुत वैष्णवीर संग मागे हे अधम दास पवन श्री चरण सेवा मागे हे पतित जन नित्यानंद प्रभु की जय। हमारे नवीन प्रभु यहाँ है क्या? नवीन प्रभु इधर आ जा। हरे कृष्णा। हाँ सब सब भक्त लोग दो चार मिनट इधर। आप भी थोड़ा तो बोल देना, आप भी बोल देना, तुम भी थोड़ा पांच मिनट पांच सब बोलना, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु इधर आ जा। हाँ देखो इधर सुना, आज बहुत कष्ट हुआ ना? नहीं हुआ है, आनंद है? आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। हाँ देखो देखो देखो, सवेरे से हम लोग
कोई बोले 2 बजे उठे ना, कोई बोले 3 बजे उठे, कोई बोले 4 बजे उठे, हैं? और सोए कितना 11-12 बजे, 2-3 घंटा किस तरह से सो रहे हो। लेकिन केवल और लगता है केवल और 2 दिन ही है परिक्रमा, केवल और 2 दिन ही है फिर तो परिक्रमा, और फिर 1 साल के बाद में परिक्रमा। देखो हम लोगों ने इतना कष्ट क्यों क्या कर रहे हैं, हम इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, जो यहाँ पर आए हैं यहाँ पर इतने कष्ट करके क्यों आए हैं, पैसा भी खर्च किया है, शायद लगता है प्रसाद भी पेट भर के मिला ही नहीं लगता है, प्रसाद भी कम मिला है, हैं? आज तो एकादशी को निर्जला करनी चाहिए तब भी थोड़ा मिल गया कोई बात। इसलिए भगवान नियम है एकादशी का दिन 4 भाग का 1 भाग लेनी चाहिए, नियम तो यही है, लेकिन तब भी जो कुछ है देखो ये जो स्थान है हम लोग यहाँ पर इतने कष्ट कर क्यों आए हैं, कारण यही है अगर ये महापुरुष जगत में नहीं आते हैं ना, हम अभी कीर्तन कर रहे थे ना, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बल पाई चैतन्य निता, इनकी कृपा से ही श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमको मिले। अगर ये महापुरुष जगत में नहीं आते हैं ना, ये महापुरुष जगत में नहीं आते फिर तो चैतन्य महापुरुष जगत में आते ही नहीं, चैतन्य महापुरुष नहीं आते तो जो सारे विश्व में जो भक्ति की प्रचार है और हम जो थोड़ी बहुत भक्ति करने के लिए केवल प्रचेष्टा कर रहे हैं ना, ये भक्ति भी हमारी अधूरा रह जाती, हम ये भी नहीं कर पाते। इसलिए इन्होंने ही जब जगत में आए, जगत का जब दुर्दशा को उन्होंने देखा, कुत्ता कुत्तियों की शादी, बिल्ला बिल्लियों की शादी करवा रहे हैं, करोड़ों रुपया कैसा काली के सामने बकरी को बड़ा चढ़ा करके बलि दे करके हैं, आपस में केवल तर्क वितर्क करते हुए कोई भगवान की भक्ति भजन कर ही नहीं रहे हैं, सारा दुनिया कृष्ण भक्ति से विमुख है। इसलिए उन्होंने ये दुर्दशा को देख करके उन्होंने क्या किया, तुलसी और गंगा पानी से उन्होंने साक्षात महाप्रभु को जगत में बुलाया है, तब इसी जगत में महाप्रभु आए। इसलिए इनका एक नाम है गौरव आना ठाकुर, मतलब जिन्होंने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में लाए है, जगत में उन्होंने महाप्रभु को जगत में लाए, इसलिए इनकी चरण में हम सबके सब ऋणी हैं, क्योंकि इनकी वजह से श्री महाप्रभु हमको मिले हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कुछ भक्त लोग हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी इनके ऊपर में थोड़ी थोड़ी सी बोलेंगे, आप लोग सबके सब हरी कथा सुना और इन्होंने क्या जगत में दिया, इनका क्या उपकार हमारे ऊपर में, अभी हम लोग इस विषय पर थोड़ी देर सुनेंगे। हमारे श्री नवीन प्रभु जी, हाँ खड़े हो जाओ, 5-5 मिनट सबके सब बोलो, बोलो हरे कृष्ण, खोलो उसको। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ऐसे लगा, हाँ हरे कृष्ण, हाँ बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो विष्णुपादाय आराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षक गुरुदेव भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरणों मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। आज हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस जगह का नाम है शांतिपुर। ये अद्वैताचार्य जी का आश्रम मंदिर घर ये समझ सकते हैं। अद्वैताचार्य जी निरंतर जैसे भी महाराज बता रहे थे कि यहां कोई भी हरि भक्ति करना नहीं चाहता और साक्षात महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य जी हैं, वो यहां पर आकर के भक्ति में लगाना भी चाहते हैं तो भी नहीं लगना चाह रहे लोग, बाग उठपटांग कामों में लगते हैं। ये देख करके जो अद्वैताचार्य जी हैं वो सोचते हैं मैं अभी समस्त पृथ्वी को ध्वंस कर दूं चक्र से, क्योंकि साक्षात महाविष्णु। और फिर उनको याद आता कि चैतन्य महाप्रभु को यहां आना है और वो हमेशा क्या करते, गंगा स्नान करते और गंगा से जल और तुलसी दल लेकर के चढ़ाते ठाकुर जी के चरणों में और प्रभु से हमेशा
ये वंदना करते हैं कि हे प्रभु आ जाओ, हुंकार मारते हैं और हुंकार ऐसी कि भगवान के आवेश में जो हुंकार होती, भगवान का जो सिंहासन है वो डोल गया। इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु को उनके कारण से, उनके हुंकार के कारण से यहां पर आना पड़ा। तो ये अद्वैताचार्य जी का हम सब जीवों के ऊपर बहुत बड़ा अवदान है। जिस प्रकार से गीता में भी कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्र से जल से भगवान रीझ जाते हैं, ऐसे ही अद्वैताचार्य जी ने भगवान को रीझा है और उनकी कृपा से ही आज से 530 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु का यहां पर अवतरण हुआ। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो अभी निमाई के रूप में प्रकटित हो चले हैं शची मैया के गर्भ से और जगन्नाथ मिश्र के आंगन में, तो यहां पर सुंदर बधाइयां गाई जा रही हैं। यहां इनको आभास तो हो गया कि महाप्रभु आ गए, लेकिन परीक्षा लेने के लिए ये अपनी पत्नी सीता माता को तो आगे करके सुंदर सुंदर साड़ियां वस्त्र इत्यादि और बच्चे के जो भी आभूषण और उसके वस्त्र है वो सब प्रदान करके, फल अलंकार इत्यादि पहुंचा करके पत्नी को तो भेज दिया, लेकिन खुद नंदन आचार्य के यहां पर ठहर गए। और फिर वहां पर जब पता चला कि कल भगवान का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुआ, जन्म हुआ, तो सब हरिबोल हरिबोल बोलते हुए जो चंद्र ग्रहण था उसमें स्नान कर रहे थे, तो इनको पूरा विश्वास हो चला कि ये और कोई नहीं मेरे प्रभु गौर हरि ही है, क्योंकि मैंने इतना प्रयास किया सबको हरि भक्ति में लगाने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु ने अभी जन्म मात्र लिया है और एकदम से सब स्नान करते करते, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में सब स्नान करते हैं और हरि का स्मरण करते हैं, तो सबके मुख से जो हरि बोल निकलवा दिया। इस तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो क्या कहते हैं, समस्त आचार्यगण भी यही कहते हैं, हे चंद्र तू दोषी है, तेरे अंदर जो ये कलंक लगा हुआ है अब तेरी आवश्यकता नहीं है, तू यहां से चला जा, क्योंकि यहां महाप्रभु जो गौर चंद्र के रूप में प्रकटित हो चले हैं, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, ये कहते थे। तो समय बीता, भगवान चैतन्य महाप्रभु अब थोड़े बाल लीला कर रहे हैं, वो तो खैर यहां का विषय नहीं है, लेकिन जब ये पढ़ाते थे अद्वैताचार्य जी, तो इनके बड़े भाई विश्वरूप उस पाठशाला में पढ़ते थे और मैया शची मैया इनको बुलाने के लिए कि जाओ भोजन का समय हो गया, बड़े भाई को बुला लाओ, तो ठुमक ठुमक के चलते थे और अद्वैताचार्य जी को सुंदर सी अपनी मुस्कान चित्रण देकर के इस तरीके से आकर्षित करते कि अद्वैताचार्य जी पढ़ाना भूल जाते और उस बालक को देख करके एकदम से स्तब्ध रह जाते। यह देख करके मन ही मन महाप्रभु कहते, तब तो बहुत मेरा सिंहासन जो है तुमने हिलाया डुलाया हुंकार मार मार के, और अब जो है यहां पर तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, नाड़ा नाड़ा मतलब कि इस तरीके से हिलाया हुंकार मार मार के, तो एक नाम इनका नाड़ा पड़ा। तो यूं मन मन महाप्रभु कहते थे। अब और समय बीता तो अद्वैताचार्य जी ने समझ लिया ये और कोई नहीं मेरे गौर हरि ही है, और जब बड़े हुए नगर संकीर्तन किया, हरि नाम वितरण किया महाप्रभु ने, तो क्योंकि ये अद्वैताचार्य जी जो दीक्षित थे वो माधवेंद्रपुरी पाद से थे और माधवेंद्रपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु के जो है परम गुरुदेव है, ईश्वरपुरी पाद के भी गुरुदेव, इसलिए परम गुरुदेव है। तो इसलिए अद्वैताचार्य जी के चरणों में ये गुरु बुद्धि रखते थे, और जब गुरु बुद्धि रखते थे तो इनसे ये सहन नहीं हुआ कि मेरे प्रभु मुझे आदर दे रहे हैं गुरु की तरह, जबकि मुझको शासन करना चाहिए। एक बार इन्होंने सोचा कि मैं यहां शांतिपुर में अब गीता का जो है, गीता का मूल क्या है, भक्ति, गीता में ज्ञान है भक्ति है, इस तरीके से उन्होंने ज्ञान का प्रवचन शुरू कर दिया कि गीता भी ज्ञान को ही बता रही है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, इस तरीके से लोगों को बताना शुरू कर दिया। जैसे महाप्रभु पता चला वहां से दौड़े दौड़े आए और उनसे एकदम से गीता छीनी और कहा क्या है इस गीता में, तो बोला ज्ञान, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो तुरंत गीता को एक तरफ रखा और अद्वैताचार्य जी के सीने पर चढ़ गए और धुना धुन उनको जो है पीटना शुरू कर दिया, गुस्से मारने शुरू कर दिए। अद्वैताचार्य जी बड़े प्रसन्न होकर के उछल के कूदने लगे, नृत्य करने लगे कि मेरे प्रभु मैं यही चाहता था आप मुझ पर गुरु बुद्धि न रख करके मुझ पर शासन करें, भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो बहुत सारी लीलाएं हैं, अभी बहुत सारे यहां पर वक्ता है, इसलिए मैं यही अपनी वाणी को विराम कर दूंगा।
कृपा सिंधु पति नाम पावनी भी वैष्णु भी नमो नमः। बिना धुन पिटाई करवा दिया थे सर जी। खुला तो बंद कर दिया। बोलिए हरि बोल। अरे हरि बोल हरे कृष्णा। उधर से ठीक करो तुम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम अवतारे माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम परण्यम पुरुषम महांतम नारायण तम शीर्षा नमामि। सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, पूज्यपाद संजय प्रभु, मेरे सभी गुरु भाई बहन, वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड स्वीकार करें। साधुओं की ये विशेषता तो है, वो किसी को भी उठ के कहीं पे भी बैठा दें, कहीं पे भी खड़ा कर दें, किसी भी अशोक्य व्यक्ति को सामर्थ्य प्रदान कर दें, ये तो इनका गुण है। मेरे को जब से मैं आया यहां तब से एक ही बात जो है वो मन में उल्लास भर रही है कि सचमुच ये धरती जो है कैसा प्रेम प्रदान करने वाली है, कैसा आह्लाद प्रदान करने वाली है, ये हम सब लोग अनुभव कर सकते हैं। महाप्रभु के आने के कारण जैसे उनमें एक विशेष जो कारण कि ये पृथ्वी पे कलयुग के कारण अनंत जो पाप हो रहे थे, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी लोग उस मनुष्यता को भूल के पशु जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो भगवान के मन में दया तो आनी स्वाभाविक है जीवों के प्रति, क्योंकि उनसे ज्यादा सुहृद और कौन है मनुष्य का, जीवों का। तो स्वाभाविक है कि अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार, उनके मन में दया आना कि ये जो जीव हैं ये कहाँ भटक गए, क्या कर रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, वो तो स्वाभाविक है। और इधर हमें याद आता है कि प्रेम सरोवर पे जब कृष्ण के गोद में लेटी हैं राधा जी और उनके चरण कमल पे एक भंवरा जो है गुनगुन गुनगुन कर रहा है, और किस प्रकार जो कृष्ण इशारा करते हैं मधुमंगल को कि भंवरा कहीं पैर पे बैठ ना जाए, आघात ना कर दे, इसको जरा दूर हटाओ, और मधुमंगल जो छड़ी लेके उस भंवरे को दूर छोड़ के आते हैं और आके कहते हैं अब मधुसूदन चला गया, अब नहीं आएगा। और इतना सुनते ही राधा रानी जैसे व्यथित होकर उठती हैं, सुनते मधुसूदन चला गया, हा मधुसूदन, हा मधुसूदन, गिर के मूर्छित हो जाती हैं। तो कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि मेरी गोद में लेटी हैं और इनसे इतना भी सुनना बर्दाश्त नहीं है, ये इतना भी सहन नहीं कर सकती कि ये मधुसूदन चला गया कि मैं देखूं सही मधुसूदन है कहाँ कहाँ गए, ये इतना भी इनको सहन नहीं है, ये कैसा प्रेम है, ये कैसी अद्भुत जो है, ये कैसा भाव है जिसे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जानता नहीं। क्योंकि हमने वैष्णवों के मुख से सुना दो प्रकार के सुख हैं, एक सेवा सुख एक सेवक सुख। एक सेवा जो कर रहा है उसको भी तो सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, और एक जिसकी सेवा हो रही है उसको भी सुख प्राप्त होता है। अब जिसकी सेवा हो रही है वो सेवक को जो सुख हो रहा है उसको वो नहीं जान पा रहा है। जैसे माता ने रसोई बनाई, परिवार ने खाई,
सबने कहा मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत अच्छा बना। तो उनको ये नहीं पता कि माता जिसने रसोई बनाई उसको ये बात सुन के कितना आनंद हुआ, कितना सुख प्राप्त हुआ कि मेरे बनाया हुआ सबको बहुत पसंद आया, सबको सुख हुआ, सबको आनंद हुआ। इसी प्रकार राधा जी जो सेवा करती हैं, जो प्रेम करती हैं, उससे कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उस प्रेम के आनंद से कई गुना अधिक जो है राधा रानी को जो वो प्रेम प्राप्त होता है उसके बारे में कृष्ण नहीं जानते। अब उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इस भाव को, इस प्रेम को, इसके प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं। कि ये इतना सुनने पर भी जो है मूर्छित हो गई और फिर जो है जल का छींटा देने पे, मनाने पे जब होश आया, मधुसूदन को वहां पाया, तो फिर जो है आंसुओं की जो बहार आई, कृष्ण भी रो रहे हैं, राधा जी भी रो रही हैं, सभी सखियां भी रो रही हैं उस आनंद में, तो वहां क्या बन गया, जो सरोवर बना उसको कहते हैं प्रेम सरोवर। अब कृष्ण इसी लालसा को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उसी भाव का आस्वादन करते हुए उन्होंने सारी लीलाएं की। किस प्रकार दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक तो अपनी इच्छाएं कृष्ण की कि राधा रानी का जो ये प्रेम है ये कितना गहरा है और इसमें इनको कैसा सुख प्राप्त होता है और ये किस कारण से, यानी मेरी रूप माधुरी जो है वो कैसी है जिसको लेके ये राधा जी इतनी प्रसन्न होती हैं, कितना इनको आनंद, मेरे रूप माधुरी कैसी है, उसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ जो है कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो, भगवान ने वेद भी दिए, भगवत गीता भी दी, सब कुछ दिया ग्रंथों के रूप में, लेकिन हाथ पकड़ के चलना सिखाया नहीं। तो भगवान जो है अब हम सब जीवों के कल्याण हेतु स्वयं अवतरित होके उस भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हुए, उस भक्ति मार्ग का सबको शिक्षा पाठन कराते हुए जो है अपने परिकरों सहित वो ये कार्य अभी तक चल रहा है। सब कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वदा अपने गुरुपाद पद्मने तेलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शश श्रीनु भक्ति वेदांत शिलानायन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद संजय प्रभु एवं अन्य ज्येष्ठ गुरु भ्राता गुरु बहन समस्त वैष्णव गणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी का आदेश हुआ है इस स्थान पे कुछ कथा बोलने के लिए, तो उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए चेष्टा करने का प्रयास करूंगा कि जो कुछ हरि गुरु वैष्णवों से जैसा सुना समझा है वह प्रयास करूंगा बोलने का। जिस स्थान पे हम आए हैं, स्थान है शांतिपुर, तो इस स्थान पे भी अनेक लीलाएं हुई हैं। जैसा हमने श्रवण किया है कि यहीं पे महाप्रभु के अवतीर्ण होने से पहले, महाप्रभु जो कृपा करने के लिए इस धरा धाम पे आए, उससे पहले अद्वैताचार्य जी इसी स्थान पे रहते थे और नित्य व्रति क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं गंगा जल और तुलसी दल से। और अवस्था देखते हुए इस जगत की उन्होंने हुंकार भरी, कौन है, उस अपने आवेश में आ गए कि प्रभु आपका आने का समय हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने आवेश में आया तो मेरे हाथ में क्या है, चक्र, मैं तो काट दूंगा सबको। तो क्या, क्योंकि इस कलयुग में जीव की स्थिति क्या है, अनर्थ अपराधों से ग्रस्त है, ठीक है, पाप ताप से ग्रस्त है, तो क्या कर रहा है, गलत
मैं अपने आप में ये देखता हूँ कि चेष्टा कर रहे हैं हरि भजन करने की, भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु फिर भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 रिपु हैं, इनसे कहीं ना कहीं मैं पीड़ित हूँ। ये बार बार तंग कर रहे हैं और इन्हीं से ग्रस्त होके, अनर्थ अपराधों से ग्रस्त होके, कई बार ना चाहते हुए भी और कई बार चाह के मैं गलत कार्यों में प्रवृत्त हो रहा हूँ। तो ऐसी दशा को देख के वे गुस्से में क्रोध में आ गए थे और आह्वान किया महाप्रभु का, तो महाप्रभु इस जगत में आए। तो इस स्थान पे और भी अन्य अद्भुत लीलाएं हैं कि इसी स्थान पे देखो उन्होंने आह्वान किया, किसका? महाप्रभु का। तो महाप्रभु की जो लीला है उसमें जो आह्वान है महाप्रभु का, महाप्रभु को बुलाया, किसने बुलाया? श्री अद्वैताचार्य जी ने। और खाली बुलाया नहीं, महाप्रभु को इनडायरेक्टली फिर एक इंडिकेशन भी दिया। प्यार आता नहीं प्रभु जी, बाउल के कहो बाउल के कहे बाउल, हाटे बिकायना और चावल ऐसे करके। तो इस प्रकार से एक इंडिकेशन देते हुए अभी महाप्रभु को मैसेज दे दिया है कि जिस कार्य के लिए, जिस प्रेम वितरण करने के लिए आप इस जगत में आए थे, अब वो बहुत हो चुका है, तो अब आप अपने नित्य धाम वापस जाए। तो आना और वापस भेजना, देखो कितनी बड़ी भूमिका निभाई किसने? श्री अद्वैताचार्य जी ने। नाम क्या है? अद्वैत आचार्य। हालांकि हम देखते हैं गौड़िया वैष्णव में अद्वैत जो मत है इसका हम विरोध करते रहते हैं, और यहाँ पे इनका नाम ही क्या है? अद्वैत। यहाँ पे क्या है? इनका नाम ही अद्वैत। तो क्या बोल, क्या इस नाम का जो मीनिंग है, क्या कह रहे हैं कि ये प्रभु से, ये किससे? भगवान से अद्वैत है, ये एक ही तत्व है। ये कौन से तत्व है? ये विष्णु तत्व ही है। इसीलिए हमने देखा कि जैसे पहले जिस संस्था में थे, जिस गौड़िया वैष्णव संस्था में मैं था, वहां अद्वैताचार्य जी का व्रत नहीं रखा जाता था। जो प्रकट उत्सव होता था अद्वित सप्तमी का, व्रत नहीं रखा जाता था, हम उपवास नहीं रखते थे। और जब यहाँ आए तो देख रहे हैं उपवास रख रहे हैं, तो बताया गया कि ये कौन है? ये विष्णु तत्व ही है, ये अद्वैत है। किससे? विष्णु से अद्वैत है, ये वही है। ये क्या है? वो महाविष्णु का ही अवतार श्री सदाशिव ही इस जगत में आए हैं। फिर इस स्थान पे एक बहुत अद्भुत लीला हुई कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेके महाप्रभु पूर्ण कृष्ण भाव में आविष्ट होके कहाँ जाना चाह रहे हैं? ब्रज। मुझे कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तब उनको क्या किया, छल से नित्यानंद प्रभु, कुछ यहाँ के चरवाहे जो गौ चराने वाले और गौओं के, उस छलावे से कि देखिए महाप्रभु इस तरफ चलते हैं, इस तरफ वृंदावन है, और दिखाया कि वहां पे कुछ गवाल बाल हैं, गौए हैं, तो बुलवा दिया कि ये क्या है, ये वृंदावन है। और आगे गए तो कह रहे देखो देखो आगे गंगा जी दिख रही हैं, ये शांतिपुर के से गंगा जी बह रही हैं, तो कह रहे देखो 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 वो कौन है? वो यमुना जी हैं। और महाप्रभु को क्या हुआ? वृंदावन न ले जाके वो संन्यास के बाद उपरांत कहाँ ले आए? इस स्थान पे ले आए। और जब महाप्रभु इस स्थान की तरफ चल पड़े हैं तो क्या देखा, पहले तो उस भाव में आ गए हैं कि हाँ ये तो वृंदावन की तरफ ही जा रहे हैं, तो वृंदावन जा रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी आगे जाके देखा तो नाव लिए खड़े कौन है? अद्वैताचार्य जी। अब जैसे ही अद्वैताचार्य जी को देखा तो जो वो भाव था अब थोड़ा 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 सा डायल्यूट हुआ और पूछने लगे, अरे अद्वैताचार्य जी तुम भी वृंदावन आ गए हो? तो कहते नहीं प्रभु, इस प्रकार से बताया, उनके वस्त्र जो वो लोट पोट खा रहे थे जमीन पे, महाप्रभु भाव में आविष्ट थे, कभी जमीन पे गिर पड़ते हैं, कभी कीर्तन नृत्य करते हुए चल रहे हैं, तो क्या किया, वहां पे नए वस्त्र लाए हुए थे, उनके नए वस्त्र उनको बदलवाए। और फिर बोला तो महाप्रभु फिर गुस्से में आ गया, अच्छा मुझसे झूठ बोला कि ये यमुना? तो अद्वैताचार्य जी बोलते हैं कि देखिए महाप्रभु, ये जो पश्चिम भाग है इस तरफ से यमुना जी आ रही है और उस तरफ से गंगा जी आ रही है, तो ये जो तट है ये यमुना जी का ही तट है, तो ये यमुना जी ही है और नवदीप तो अभिन्न वृंदावन ही है, तो ये वृंदावन ही है। इस प्रकार से वे महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को यहाँ लाए। और यहाँ पे अन्य अन्य अनेक और भी लीलाएं हैं, अब हम वैष्णव से श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि वैष्णव Thank you.
हरे कृष्णा एक ही हरे कृष्णा। माइक को भी कम प्रसाद मिला है, ये भी धीरे धीरे इधर आ जाए। इस वाले ने ज्यादा खाया, वो आपके साथ बैठे हैं ना इसीलिए। हरे कृष्णा, इसको भी कम प्रसाद मिला है, उसके लिए इससे भी क्षमा प्रार्थना है। गुरु छोड़ो, कृष्णा ये कृष्ण भक्त है, पकड़ो इसको, छोड़ो प्रभु जी। कृष्णा ये कृष्ण भक्त है, तद भक्त है, नमो नमः। क्या हो रहा? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टो तरश श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टो तरश श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परम्परा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग अभी जिस स्थान पर आए हैं उसके विषय में आप लोगों ने वैष्णवों के मुख से कुछ कुछ श्रवण किया है। ये जो स्थान है ये श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी जो साक्षात महाविष्णु हैं, जिनके विषय में कहा गया है महाविष्णु जगत कर्ता माया या सृजत तदा तस्यावतारेवायम अद्वैताचार्य ईश्वरे। जो महाविष्णु अपनी माया से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वही महाविष्णु श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में अद्वैताचार्य जी के रूप में इस स्थान पर उनका शुभ आविर्भाव हुआ। इनके विषय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक स्थान पर कहा है अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर जाहार महिमा नहे जीवेर गोचर। ये अद्वैताचार्य जी कौन है? ये साक्षात ईश्वर है महाविष्णु, और जिनकी महिमा बद्ध जीव के गोचर होना बड़ा कठिन है। हम बद्ध जीवों के लिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की बड़ी ही कृपा और बड़ी ही महिमा है। इनका एक नाम है गौराना ठाकुर। ये अद्वैताचार्य प्रभु जी ये महाविष्णु हैं, यही जगत जीवों की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। अद्वैताचार्य प्रभु जी श्रीमन महाप्रभु जी से भी पूर्व जब प्रकट हुए इस जगत में, विशेषकर इस नवदीप धाम में जब वो निवास करते थे, तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण नदियाँ, संपूर्ण नवदीप धाम वो कृष्ण भक्ति से शून्य है। लोग केवल ग्रहण के समय में कृष्ण राम हरि नाम लेते हैं, उसके अतिरिक्त तो सब समय क्या करते हैं, चंडी की पूजा करते हैं, बलि देते हैं, मांस मछली इत्यादि मदिरा का सेवन करते हैं। तो जीवों की ऐसी दशा को देखकर उनका मन जो है वो दया से परिपूर्ण हो गया। तो उन्होंने मन में विचार किया कि इन जीवों का किस प्रकार कल्याण होगा। यद्यपि वो साक्षात महाविष्णु हैं, वो समस्त जीवों का कल्याण करने में, उनका उद्धार करने में समर्थ हैं, किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते थे महाविष्णु जगत जीवों का कल्याण तो कर सकते हैं किंतु ब्रज प्रेम नहीं दे सकते। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी ने मन में विचार किया यदि मेरे प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु जी के भी प्रभु कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु, यदि वो जगत में आ जाए तो क्या होगा, जगत जीवों का संपूर्ण मंगल हो जाएगा। ऐसा विचार करते करते उन्होंने शास्त्र में एक श्लोक देखा तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रणीते सो आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान कैसे हैं, यदि कोई उनके चरणों में एक तुलसी का पत्ता दे दे, थोड़ा सा गंगा जल अर्पण कर दे, तो भगवान भक्तेभ्यो भक्तवत्सला इतने भक्तवत्सल हैं कि भगवान केवल तुलसी पत्ता देने से, थोड़ा सा गंगा जल देने से ही भगवान अपने आप को ही बेच देते हैं। जब अद्वैताचार्य जी को ये श्लोक स्मरण हुआ तो उन्होंने अपने शालग्राम जी जिनकी वो पूजा करते थे, उन शालग्राम जी के चरणों में उन्होंने तुलसी पत्ता और गंगा जल अर्पण करना आरंभ किया, और दोनों हाथ उठाकर वो बड़े गंभीर स्वर से हूं हूं कार करते, है ना, महाप्रभु जी को बुलाते इस जगत में,
इसलिए महाप्रभु जब प्रकट हुए तो महाप्रभु कहते थे श्रुतिया अछिनु मोहि शिरोद सागर है निद्रा भंग होइलो मोर नाडार हुंकारे। मैं तो बड़े आराम से शिरोद सागर में शयन कर रहा था किंतु यह द्वैताचार्य जी की हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई और मुझको इस जगत में अवतार लेना पड़ा। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी महाप्रभु जी के जगत में आविर्भूत होने के जो बहुत सारे कारण हैं उसमें से एक कारण है श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की प्रार्थना। यदि अद्वैताचार्य प्रभु जी प्रार्थना नहीं करते तो महाप्रभु जी जगत में आविर्भूत नहीं होते। और हम बद्ध जीव जो हैं हमको कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, ब्रज प्रेम बड़ी दूर की बात है, कृष्ण भक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती। तो हम लोग अद्वैताचार्य प्रभु जी के चरणों में बड़े ऋणी हैं, इसलिए हम उनके इस स्थान पर आए हैं। ये शांतिपुर है, शांतिपुर अर्थात इस स्थान पर आकर अद्वैताचार्य जी के चरणों का आश्रय लेने पर ही, जैसा अभी सुन रहे थे ना उनका नाम है अद्वैत आचार्य। अद्वैत माने वो स्वयं विष्णु तत्व है, भगवान से अभिन्न है, और आचार्य का अर्थ है आचिनोति या शास्त्रम आचार्य, जो स्वयं शास्त्र के सिद्धांतों का विचारों का आचरण करके शिक्षा देते हैं उनको कहते हैं आचार्य। तो अद्वैताचार्य जी स्वयं कृष्ण भक्ति की, स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण करते हैं और उसी कृष्ण भक्ति की शिक्षा अद्वैताचार्य जी जगत जीवों को देते हैं। उनके चरित्र की बहुत सारी लीलाएं हैं। ये उनका स्थान है जिस स्थान पर आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। ये पीछे जब महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण किया उन्होंने, तो अभी सुन रहे थे ना, तीन दिन तक उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी के जन्म स्थान, वहाँ भी हम लोग जाएंगे एक चक्रा, तीन दिन तक महाप्रभु ने वहाँ भ्रमण किया और उसके पश्चात महाप्रभु जी यहाँ पर आए शांतिपुर में और 10 दिनों तक रहे। तो अद्वैताचार्य जी प्रतिदिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी को प्रसाद परिवेशन करते थे इसी स्थान पर, इसलिए यहाँ पर तीनों प्रभुओं का आसन है। बड़े सुंदर रूप में रसोई बनाते, शची मैया रसोई बनाती और अद्वैताचार्य जी बड़े सुंदर रूप में महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को अपने हाथों से प्रसाद परिवेशन करते। और पीछे जो स्थान देख रहे हैं वो अद्वैताचार्य प्रभु जी के गुरु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी का स्थान है। जब वो मलय पर्वत से चंदन लेने के लिए जा रहे थे गोपाल जी की आज्ञा से माधवेंद्रपुरी पाद जी, तो वो इस स्थान पर उपस्थित हुए और अद्वैताचार्य जी ने उनके प्रेम को देखकर श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी से दीक्षा ग्रहण की। तो इस स्थान पर बहुत सारी लीलाएं हैं, अद्वैताचार्य जी का चरित्र भी बड़ा सुगंभीर है। अब समय बहुत हो चला है इसलिए अभी हम लोग पूज्यपाद महाराज जी के मुख से कुछ सुन लेंगे और अद्वैताचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। भक्तिर भंडारी तुमी बिनय भक्ति दिले, कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कार्य मिले। समझ में आई बात? अद्वैताचार्य जी हैं भक्ति के भंडारी। तो हम लोग इतना कष्ट करके यहाँ आए हैं, जैसा हम सुन रहे थे ना हमारे गुरु महाराज जी कहते थे राजा सगर के पुत्रों को गंगा जी ने स्पर्श किया तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, यद्यपि वो गंगा जी की महिमा को जानते नहीं थे और उनके शरीर को भी स्पर्श नहीं किया, उनके शरीर की राख, शरीर तो भस्म हो गए थे कितने हजार साल पहले, किंतु केवल गंगा जी के स्पर्श से ही उनको वैकुंठ की मुक्ति की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ मिल गया। तो गुरु महाराज जी कहते थे हम लोग जो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में धाम की महिमा को जानकर सुनकर और वैष्णवों के मुख से धाम की और लीला स्थलियों की महिमा को सुनकर परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे या नहीं करेंगे? तो हम लोग इस स्थान पर आए हैं, कर रहे हैं, अभी और भी करेंगे, धीरे धीरे संसार छूट जाएगा। अभी एकदम से कह देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, अभी 3 दिन और परिक्रमा होनी है। नहीं नहीं, महाप्रभु जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, अद्वैताचार्य जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? भक्ति रे भंडारी तुम्ही बिने भक्ति दिले, कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कार्य मिले। अद्वैताचार्य जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो भक्ति के भंडारी हैं, बिना अद्वैताचार्य जी के कृपा किए कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम किसी को नहीं मिल सकता, इसलिए हम अद्वैताचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आप साक्षात क्या है? गौराना ठाकुर हैं, आप हमारे पूर्वज हैं, रूपानु गुरुजनों में रूपानु गुरुजन तो क्या, वो तो महाविष्णु है साक्षात, उनको तो रूपानु गुरुजन नहीं कहा जाएगा, वो तो साक्षात विष्णु तत्व हैं, किंतु फिर भी हमारी गुरु परंपरा में भी हैं, हमारे पूर्वज हैं, महाप्रभु जी के भी वो ज्येष्ठ हैं, इसलिए उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमको कृष्ण भक्ति कृष्ण और कृष्ण प्रेम तो दे ही दें, साथ साथ हमको क्या दे दें, संपूर्ण रूप में ये आचार्य हैं, जैसी अद्वैताचार्य जी की महाप्रभु जी के चरणों में निष्ठा है, प्रीति है,
नित्यानंद प्रभु जी के प्रति प्रीति है, जैसी उनकी महाप्रभु के चरणों में निष्ठा है वैसी निष्ठा हमारी हमारे गुरु जी के चरणों में हो जाए, वैसी प्रीति वैसा ही प्रेम हमारा हमारे गुरु जी के चरणों में हो जाए तो हमको परमार्थिक राज्य की संपूर्ण संपत्ति मिल जाएगी। यही प्रार्थना द्वैताचार्य जी के चरणों में हम लोग करके इस धाम की धूली को प्रणाम करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। एक मिनट सुन लो। हाँ देखो, इनका एक विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर में खिलखिया है, बोले इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में लाए। जब लाए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अभी नवद्वीप में मायापुर नवद्वीप में महाप्रभु विष्णु की खटिया के ऊपर बैठी गई और एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनकी आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने में महाप्रभु कह रहे नारा 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 बोल, जोर जोर से नारा नारा बोल रहे हैं। भक्त लोग सोच रहे भैया नारा मतलब क्या होता है, ये बंगला भाषा में नारा मतलब होता है हिलाना, नारा हिलाना कौन नारा, बोले भैया नारा नारा, फिर ये नारा नारा कौन है, ये नारा नारा क्यों बोल रहे हैं। तब महाप्रभु ने कहा, सुतिया अछन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैल मोर नारा रोहकारी, मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था लेकिन ये अद्वैत आचार्य जो मेरे आसन को नारा मतलब हिला देना है, ऐसे उन्होंने भगवान का आह्वान किया, भगवान का आसन हिल गया। बोले नारा कौन, बोले अद्वैत आचार्य जो, उसको बुला करके लाओ है, उनको बताओ जिसके लिए इतना परिश्रम किया, उन्होंने कितने रोए कितने प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप इसी जगत में आओ, जगत का लोग कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको आकर के ब्रज भक्ति प्रदान करो, उसकी वजह से मैंने आया हूँ, बुलाओ उनको दोनों पति पत्नी को, सीता ठाकुरानी और श्री अद्वैत आचार्य। इतने में उन्होंने सीता ठाकुरानी अद्वैत आचार्य को जब उन्होंने बुलाए तब श्री अद्वैत आचार्य आए और उनके चरण में पुष्प चंदन तुलसी दे करके महाप्रभु को चरणों का अभिषेक किया। जब उन्होंने अभिषेक किया और महाप्रभु का जो उन्होंने वंदना किया, बोले कौन सा श्लोक में, बोले नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च श्री कृष्णाय जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक में महाप्रभु का चरणों को वंदना किया, किस रूप में, ये कौन है, ये सख्यात कृष्ण चंद्र गोविंद ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए। तब उन्होंने महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अद्वैत आचार्य मेरे से वर मांगो, आज जो कुछ मांगोगे ना, आज मैं दिल भर करके जो मांगोगे मैं सो दूंगा। देखो ये अद्वैत आचार्य क्या मांगा उन्होंने, पहले पहले लोग जो भजन करते ना, हमारे जैसे व्यक्ति कोई भजन नहीं करते थे, जो केवल बड़ी पूर्व जन्म के जिनकी बड़ी सुकृति थी है, बड़े स्ट्रांग सुकृति थी, वही भजन करते थे। आम व्यक्ति हम जैसे तिलक माला कंठी लगा करके, और भी कुछ लोग अभी तिलक कंठी माला है ही नहीं तब भी यहाँ पर आए हैं, हैं, ये भक्ति सुदुर्लभ है, भक्ति दुर्लभ नहीं, भक्ति सुदुर्लभ है। लेकिन हम आज जो थोड़ी बहुत भक्ति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ रसिया के जैसे यहाँ पर कुछ लड़कियाँ रसिया की बैठी हुई है, इस साल तो करुणा होने की वजह से ज़्यादा कोई विदेश से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी और हम लोग भी थोड़ी जो भक्ति कर रहे हैं, किसके कारण, ये अद्वैत आचार्य के कारण है। महाप्रभु देखो उन्होंने क्या मांगे, बोले प्रभु मेरे को वर देना चाहते हो, बोले हाँ क्या मांगना चाहते हो, मांगो, वो क्या चाह रहे हैं, बोले हे प्रभु जब इसी जगत में आप आए हो, आप कृपा करके ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, इसी अवतार में वो दुर्लभ प्रेम भी तीन हीन कांगाल है, नीच जाति छोटे जाति की कोई विचार नहीं करना, ये सबको ये ब्रज प्रेम प्रदान करना और सबको ये कृष्ण भक्ति सभी को प्रदान करना, तो महाप्रभु आशीर्वाद दे। बोले ठीक है, तुम्हारी आज्ञा को मैं पालन करूंगा। इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत भक्ति के लिए हम प्रचेष्टा कर रहे हैं, भक्ति तो बहुत दुर्लभ है लेकिन किसकी कारण है, बोले श्री अद्वैत आचार्य का, अद्वैत आचार्य कारण, ये नहीं होते तो ये जगत अभी तो कलयुग रहता ही नहीं, क्योंकि उसी समय में लोग कैसे मांस मछली खाना अंडा खाना प्याज लहसुन खाना और शराब पीना अवैध काम करना, गीता भागवत को पढ़ने पर भी केवल वितर्क तर्क वितर्क में जीवन बिताना यही करते थे, लेकिन महाप्रभु आने का वजह से और विशेष करके श्रील प्रभुपाद जगत में आए
तब भी ये जगत में सबके सब जीव थोड़ी बहुत भक्ति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये जो प्रभुपाद है, ये भगवान की महाप्रभु की कृपा शक्ति ही ये प्रभुपाद है। इसलिए ये अद्वैत आचार्य की वजह से हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति करने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं। इसलिए आज हम श्री अद्वैत आचार्य को प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे श्री एक लोचन दास ठाकुर कहते हैं, बोले होड़ो होड़ो शब्द आइला श्री अद्वैत चंद्र जल रस धाराता है राय रामानंद एल गौर रस नदी कदंबिनी प्राय असैल गौर देश प्रेम वृष्टि दी। इनके उदाहरण क्या देते हैं, बोले हुड़ू हुड़ू शब्द आई ली अद्वैत, हुड़ू हुड़ू समझ रहे, ये हुड़ू हुड़ू क्या होता है, हुड़ू हुड़ू मतलब होता है जैसे आकाश में कोई कुछ नहीं, एकदम साफ है, लेकिन हठात आंधी तूफान और एकदम बादल, काली काली बादल आया और इतने घना घोर बारिश हुई और सबको भिगा करके चला गया, इसको कहते हुड़ू हुड़ू शब्द है, मतलब कुछ नहीं और आ करके प्रेम रस में भिगा करके चला गया। ये अद्वैत आचार्य जी यही काम किया है और इन्होंने आकर के महाप्रभु को चुके उन्होंने पुकारा, महाप्रभु का आह्वान किया और महाप्रभु जगत में आए और आकर के प्रेम बन्या में हम सब लोगों को भिगाते हुए उन्होंने चले गए। इसलिए ये अद्वैत आचार्य जी की कृपा है। और अब जो प्रभु जी बता रहे थे ना, यहीं पर तीन प्रभु यहाँ पर बैठे थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और कौन, श्री महाप्रभु, गुरुदेव कहते थे, उन्होंने यहीं पर बैठे बैठकर क्या किया, जैसे हम लोग को प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ तुम इधर जाओ कैसे कैसे प्रचार होगा, सब विचार करके हम जाते हैं ना प्रचार करने के लिए, कि तीनों प्रभु ने यहीं पर बैठकर विचार किया है। जो महाप्रभु जो दुर्लभ प्रेम को जगत में देने आए थे, अभी वो प्रेम को हम कहाँ कैसे किस रूप में ये प्रेम को हम वितरण करेंगे, तीनों प्रभु यहीं बैठ करके विचार किया और विचार करके फिर उन्होंने प्रेम को उन्होंने चारी दिशा में ये प्रेम की बाहर को उन्होंने बहाया है। इसलिए ये स्थान जब महाप्रभु सन्यास लेकर के यहीं पर आए, यहीं पर कुछ दिन तक रहे और उनकी जो माता है सच्ची माता भी यहीं पर आकर के महाप्रभु को उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद बनाकर खिलाया करते थे। और जब यहीं पर आए एक दिन अद्वैत आचार्य जो पूछे महाप्रभु को, बोले प्रभु आपको सन्यास लेने का क्या जरूरत था, आपका पत्नी कितने प्यारी कितने सुंदरी, आप जब स्नान करने आने से पहले प्रसाद रेडी कर देती थी और सो करके उठने से पहले लिफा पोता लगा करके मतलब सब कुछ वो कर लेती थी, आपको माता कितनी अच्छी है, पर ये घर द्वार छोड़ने का क्या जरूरत था आपको सन्यास लेने का, आप सन्यास क्यों लिए, कौन पूछ रहे, अद्वैत आचार्य महाप्रभु को पूछ रहे। देखो महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं, बोले अद्वैत आचार्य जब तक कोई सन्यास नहीं लेते है ना तब तक कृष्ण प्रेम में कोई डूब नहीं सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जब 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 संसार में रहेंगे स्त्री पुत्र परिवार सबका चिंता रहेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, रहेगा, जो कुछ करने पर जितना बड़े बड़े बात बोल दो रहेगा ना, लेकिन जब सन्यास ग्रहण करते हैं आगे नाथ ना पछे पीगा पगा। इसलिए महा सन्यास लेने पर ही महाप्रभु जैसे दिन भर एकदम दोनों हाथ उठाते हुए कृष्ण प्रेम में डोलते हुए, कहाँ जाओ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मरबू है, जैसे महाप्रभु कृष्ण प्रेम में दिन भर एकदम उन्माद होकर कृष्ण प्रेम में एकदम झूमते रहते थे, ये सब बनेगा जब सन्यासी के बगैर कोई कर नहीं सकते। बोले अद्वैत आचार्य सन्यासी के बगैर संपूर्ण रूप में कृष्ण को कोई दे नहीं सकते, संपूर्ण रूप में जिसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज और मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर, जो संपूर्ण रूप में मन प्राण चित्त कौन दे सकता, सन्यासी दे सकता है। इसलिए महाप्रभु बोले केवल कृष्ण रंग में रंगने के लिए मैंने ये सन्यासी ग्रहण किया। और यहीं पर अद्वैत आचार्य को जब महाप्रभु श्री सची मैया को महाप्रभु बोले, बोले माँ तू क्या चाहती हो मेरे से बताओ, मैं तेरा पागल सन्यास मैं पागल बेटा हूँ, मैं तो पागलपन में आकर सन्यास ले लिया, करोड़ों जन्म भी तेरी ऋणी में कभी चुका नहीं सकता हूँ, मेरे से क्या मांगना तू मांग ले। तब सची मैया कहते देख बेटा सची माँ तो साधारण है नहीं हैं, वो तो उनका नित्य परिकर, बोले बेटा एक ही काम करो, यहाँ से थोड़ा ज्यादा सन्यासी लेकर के नियम घर से बाहर रहना,
लेकिन थोड़ा ज्यादा दूर मत जाया करो, थोड़ा पास में रहो, कम से कम तेरी खबर मेरे को मिलते रहे, मेरे लाला ठीक ठाक है, इतना कर। बोले माँ बोल दो कहाँ रहो, बोले यहाँ से जगन्नाथपुरी बहुत पास में, तुम रहना तो श्री जगन्नाथपुरी में रहो, वहीं से खबर आता रहेगा, कम से कम मैं भी तेरे सेवा के लिए कुछ ना कुछ मैं भेजते रहूंगी। इसलिए महाप्रभु बोले ठीक है माता जी, तेरे आदेश को मैं पालन करता हूँ। किंतु वो आगे सही तो प्लानिंग है, क्योंकि शास्त्र कहता है दारू ब्रह्म निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, महापुरुष सन्यास लेकर कहाँ रहेंगे, बोले जगन्नाथपुरी में रहेंगे, तो पहले से ही सब कुछ ठीक से उन्होंने कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लीला, महाप्रभु का सारे परिकर यहीं पर थे, सारे नदिया के लोग यहीं पर आए, अभी भी उनकी चरण धूलि यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूर्ण रूप में उनकी चरण धूलि पड़ा हुआ, भक्तों का चरण धूलि पड़ा हुआ यहीं पर। इसलिए कृष्ण नारद कृष्ण से वर मांगते हैं, बोले हे प्रभु, जहां पर तुम्हारी भक्त लोगों ने लीला की, अगर कोई वैष्णव के अनुगत्य में वहां पर जाए और वहां पर बैठे, बैठ करके उनकी कथाओं को सुने, और वो जो धूल है वो कौन सा धूल, भक्तों का चरण धूलि लीला युक्त धूलि है, अगर वो धूल में कोई लोट पोट खाए तो आप वहां पर जो लीला की, एक दिन वो लीला उनका हृदय में परिस्फुट हो, हृदय में प्रकाश हो। ये कृष्ण का नारद जी का वरदान है, नारद जी की भगवान से वरदान है। इसलिए यहाँ पर खूब लौट पट खाओ, एकदम घड़ाघड़ी जाओ यहाँ पर लौट पट खाओ, और यहाँ के चरण धूलि लगाओ, और चलो सीधा जाकर के बस में बैठ जाओ, और बस में बैठ करके हम जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कल भी परिक्रमा है, कल भी परिक्रमा सवेरे सवेरे, फिर आप लोगों को उठना पड़ेगा, आज दिन भर आप लोगों ने थक गए हो, ठीक है। हर जिन लोगों ने कुछ पैसा जिनका कोई बाकी होगा, जो बिना बोले आए हो, हैं आप लोग होगा, तो यहाँ पर ये गजेंद्र को आप लोग दे देना, जिन लोगों ने दिया नहीं बस का जो नहीं दिया इनको आप दे देना, ठीक है। श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन नित्यानंद।